तो आज की हमारी क्लास में हम एडवांस एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो बेसिकली समझिए कि हमारा ये पहला दूसरा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम फाइल मेनू बार के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि छोटी मोटी चीजें हैं, आपको पहले से चीजें पता होगी, उसके अलावा आप ऑप्शन की चीजें हैं, कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं। नई चीजें में जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे संडे लिखा या मंडे लिखा, नीचे को भी डे लिखा, नीचे ड्रैग करेंगे तो कंटिन्यूस आपको संडे मंडे ट्यूजडे में आ जाता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जैन लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे आपको जैन टाइम मार्च अप्रैल मई एक्सप्रेस आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं यहाँ पे पूजा लिखूं और पूजा को नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो क्या पूजा मोहन कविता इंदर ऐसे आएगा? मेरे पास तो आ रहा है पर आपके सिस्टम में नहीं आएगा। आपके सिस्टम में ना आने के पीछे रीजन ये है कि हमने एक्सेल ऑप्शन के अंदर सेटिंग को चेंज नहीं किया है। तो एडवांस में जाना होगा और यहां सबसे नीचे जब आएंगे तो आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे जाएं और यहां आप अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे देखिए नेम का कर रखा है, सिटी का कर रखा है, ऐसे मैं प्रोडक्ट का भी करता हूं आपके सामने। जैसे मैंने प्रोडक्ट का कर दिया एक्सेल वीवीए एक्सेस एसक्यूएल बीआई डैश एमएस ऑफिस। ओके देन ओके। अब मैं किसी भी एक्सेल सीट पे जाऊंगा और यहां पे मैं जस्ट एक्सेल टाइप करूं और नीचे की तरफ जो ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे पूरा आ गया। इसी फाइल में नहीं, किसी भी फाइल में, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर जो भी सेटिंग चेंज है, बोलिए आपको सिर्फ पहला वर्ड डालना पड़ता है, बराबर है? अब पहला डाले कोई भी डाले, मैं यहां वीवीए से भी शुरू कर सकता हूं, ठीक है, और वीवीए से कंटिन्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर वाला भी लिस्ट आएगा, हाँ उसी आगे के साथ कंटिन्यू हो जाए। क्या देखिए टैबू डैशबोर्ड का अन्य सोर्स खत्म हुआ, वापस जाए तो शुरू हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ना कि आपने अगर मंडे किया तो क्या लग रहा है दिन नहीं आएगा आपका? मंडे से पहले संडे होता है, आ गया ना मंडे, संडे आ गया, संडे हमने यहाँ पे संडे शुरू किया तो वापस मंडे आया, संडे आया, सैटरडे आया, तो ऐसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके,